अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होप आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बटर। केक बनाना होता है तो हमारे पास समटाइम्स बटर नहीं होता, अगर हम बाज़ार से लें तो वो पड़ता है कॉस्टली। तो मैं जिससे बनाने सिखा रही हूँ वो चीज़ हम सबके घर में अवेलेबल होती है मोस्टली। हम बनाएंगे घी से बटर। आपके सामने मैंने ये एक देशी टाइप ले ली है और इसके अंदर अब मैंने घी डाल लिया हुआ है। पास मैंने ये आइस क्यूब्स रखे हैं, आप थोड़े बड़े आइस क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़े छोटे पीसेस में, लाइक ये बड़े आइस पीसेस हैं, आप छोटे आइस क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इससे काम ज़्यादा आसान रहेगा इसलिए मैंने ये यूज़ किया। तो अब आपने क्या करना है, आप ये देख रहे हैं इसमें मैंने घी डाला है, मैंने डालडा घी लिया है। आप कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। और ये मैंने देखे फ्लेम नीचे इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये पास आइस क्यूब्स हैं, आप देख सकते हैं मैंने तीन लिए हैं यहाँ पर, थोड़े बड़े साइज़ के। और आप देखें जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाए हमने क्या करना है, इस घी में जैसे हमारा घी गर्म हो जाए और थोड़ा धुआं सा छोड़ने लगे हमने फ़ौरन से फ्लेम बंद कर देना है। आग बंद करने के बाद हमने इसमें डाल देनी है बर्फ़ और इसे ढक देना है, क्योंकि अगर आप नहीं ढकेंगे तो इससे बहुत छींटे पड़ेंगे और वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमने इसे बंद कर देना है साथ ही और वेट करना है। आप देख सकते हैं इसमें से आपको काफ़ी आवाज़ें सुनाई देंगी, और जब ये आवाज़ें आना बंद हो जाएँ तो फिर आपने ढक्कन उठा के थोड़ा देख लें। इसके बाद आपने इसमें किसी चीज़ से पकड़ कर, मतलब कोई बर्फ़ डालने के बाद, हमने बर्फ़ डाल दी हुई है तो अब आपने इसे कोई लकड़ी की चीज़ से, जैसे कोई डोरी वगैरह से इसे मिक्स करना है। इसके बाद आपने अगला पीस डालना है बर्फ़ का, ये देखें इस तरह से इसमें डाल दिया और आपने ये हिलाते जाना है मुसलसल, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है आपने ये इसमें हिलाते जाना है। ये देखें आपने उस वक्त तक हिलाना है जब तक कि आपका ये थोड़ा थिकन ना होने लग जाए और बटर की शेप में ना आ जाए। अच्छा, ये बहुत आसान रेसिपी है, इससे आप, इसे ज़्यादातर बेकरीज में यूज़ किया जाता है और ये आपके लिए एक सीक्रेट रेसिपी है। आपको सिर्फ घी चाहिए, सिर्फ ब्रश चाहिए और आप उससे बना सकते हैं बटर। अच्छा, मैंने लिया था एक कप घी लिया था क्योंकि मुझे डेढ़ कप बटर बनाना था। तो अगर आपने भी डेढ़ कप बटर बनाना है तो आप एक कप घी लें, और ज़्यादा बनाना है तो अकॉर्डिंगली आप देख लें। जैसे अब आप देख सकते हैं इसकी अपीयरेंस चेंज होने लगी है, इसमें हमने बर्फ़ डालते जाना है और इसे हिलाते जाना है। ये देखें इसकी लुक काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। हमने फ्लेम बंद किया हुआ है, याद रहे कि हमने फ्लेम बंद कर देने के बाद दोबारा नहीं चलाना, बस बर्फ़ डालकर हिलाते जाना है। आप देख सकते हैं ये लुक इसकी चेंज हो गई आपके सामने और ये बटर बन गया, ये देखें। अच्छा व्यूअर्स, हमने इस बात का ख्याल रखा है कि जब हम ये सब बनाएंगे तो बर्फ़ की वजह से जो पानी निकलेगा ना उस पानी को आपने निकाल देना है, वो वेस्ट है। और बाकी जो मक्खन है वो आपने अलग बाउल में निकाल लेना है। और ये बिल्कुल आपको बहुत पसंद आएगा और आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, लाइक और कमेंट भी करें।